त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ड्यूटी पर लगाए गए कार्मिकों का प्रशिक्षण योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह तथा एनएक्सी भवन के सभागार में गुरुवार को 3 शिफ्टों में संपन्न हुआ। आपको बता दें कि कार्मिकों को 15 अप्रैल को त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन चुनाव को संपन्न कराने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा प्रशिक्षण लेने के बाद कार्मिक अपने ब्लॉक पर पहुंचकर चुनाव सामग्री लेने के बाद 15 को अपने बूथ पर पहुंचकर मतदान कराएंगे तथा यह प्रशिक्षण एक शिफ्ट में 240 लोगों को एनएक्सी भवन तथा बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में 1000 लोगों को एक साथ दिया जा रहा है। प्रतिदिन दोनों जगहों पर 3720 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिससे कार्मिक बूथ पर पहुंचकर मतदान को सकुशल संपन्न करा सकें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य प्रशिक्षक सुभाष चंद सिंह ने कहा, उनके चारों में निशान इस तरह लगे कि तुरंत मिटा न पाए, अगर तुरंत मिटा रहे तो दोबारा भी लगा सकते और मतदान अधिकारी जो भी बैलेट पेपर देते समय उसको देख लेंगे कि बाएं हाथ की पहली उंगली में निशान लगा है कि नहीं लगा। अगर नहीं लगा है, मिट गया है तो दोबारा आप लगवा दीजिए मतदान अधिकारी। अगर वोटर आया उसके पास बाएं हाथ की पहली उंगली है ही नहीं है तब क्या करेंगे आप, मध्यमा में लगाएंगे, मध्यमा भी नहीं है तो अनामिका में लगाएंगे, ये भी नहीं है तो कनिष्ठ सबसे छोटी उंगली में लगाएंगे, वो भी कट गई है तो अंगूठे में लगाएंगे, पांचों कट गई है तो दाहिने हाथ में आ जाएंगे, दाहिने हाथ की उसी क्रम में तर्जनी में मध्यमा में अनामिका में कनिष्ठा में और फिर अंगूठे में, ये भी कट गया है तो पैर में चले जाएंगे, पैर में बाएं पैर से शुरू करेंगे, बाया पैर भी कट गया है तो दाएं पैर को देखेंगे, वो भी कटा हुआ है तो अब मान लीजिए सब कुछ कटा हुआ है, दोनों हाथ कट गए, दोनों पैर, ऐसा होगा नहीं, लेकिन जानकारी में ऐसे स्थान पर लगाएंगे इंक, तो इंक लगाएंगे जहां से वो दिखाई पड़े कि इन्होंने मत दी, कोई कोई पार्ट होगा दिखाई पड़ेगा तो इसको इसलिए बता दिया गया जानकारी के लिए। अब इतना कटा फटा अपने आपको वहाँ नहीं मिलेगा, इसके हाथ भी ना हो पैर भी ना हो, एक आध हाथ नहीं होगा तो पाया नहीं तो दाया में आ जाए, दाया नहीं है तो पैर में आ जाए, लग जाएगा खुद ही दिखाएगा तो हमको यह लग पा। जानकारी के लिए पुस्तक में भी लिखा है कि आपको बता दे रहा हूँ, नहीं हो गया कि दाया हाथ पाया कट गया था तो बताया नहीं गया था कहाँ लगाया, तो आप जान गए तो भूलेंगे भी नहीं आप, इसीलिए हम इतना आगे तक बताते हैं। मतदान अधिकारी ड्यूटी का कार्य आप जानिए कि बैलेट पेपर चारों देना है, चारों में उसके निशानी अंगूठा हस्ताक्षर प्राप्त करना है, भाग संख्या क्रम संख्या उस पर्ची से अथवा जो हमारे मतदान अधिकारी प्रथम ने बोला था उससे हमें नोट कर लेना। मतदान अधिकारी तृतीय ड्यूटी असाइन जो की गई उसके हिसाब से पेटी का प्रभारी है, लेकिन पेटी पर तो निगाह रखेंगे वो मोड़ने में भी सहयोग करेंगे, मतदान अधिकारी ड्यूटी को बैलेट पेपर मोड़वाने में कटवाने में सहयोग करेंगे, बहुत बड़ा टेक्निकल काम नहीं है, बस उसमें ये जरूर ध्यान देना है कि कोई चिन्ह हमारा ऐसा ना पड़े कि चिन्ह पता लगा काउंटर पाइट में चला जाए अथवा नीचे से पड़ जाए कि तो मतदाता को वो चिन्ह ही नहीं, इतने चिन्ह के बैलेट पेपर हैं वो बिल्कुल भी आपको हम फोटो में दिखाएंगे, वहाँ पे एक डॉटेड लाइन बनी है, उस डॉटेड लाइन पे स्केल को रखिए तिरछा करके अपना कागज इस तरह से धीरे से हट के अलग कर जाए, काउंटर फाइल आप अलग रख लेंगे और आप बैलेट पेपर को उसको इशू कर देंगे, इसलिए जो 9 बच्चे होंगे तो एक लाइन और इस बैलेट पेपर में आप जानते हैं कि कैंडिडेट का नाम नहीं होता तो सिंबल उसमें छपे होते हैं और मुख्य चिन्ह होंगे कोई पार्टी बेस्ड है, चारों प्रतियों में कोई विभिन्नता नहीं होगी। लोकसभा में आपको बताया गया था कि उनमें से एक चिन्हित प्रति होती है, तीसरी प्रति पीओ सेकंड के पास होगी और चौथी प्रति जहां मतदाता 15 तारीख को खड़ा होते हैं वहां लटकाने के लिए दी जा रही है। आपके ऊपर उस पर लिखा है त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन नामावली 2021, उसमें क्या क्या एंट्री है उसको सावधानी से पढ़ें। प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग से 151 गोरखपुर, यदि आपकी ड्यूटी विकास खंड भटहट में लगी है तो उसका नंबर और नाम नंबर 1 भटहट, किसी अन्य विकास खंड में आप लगे हैं तो उसका नंबर और नाम होगा उस पर, उसके बाद ग्राम पंचायत का नंबर और नाम होगा, उस ग्राम पंचायत के लिए कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं आपकी वोटर लिस्ट पर उस मतदान केंद्र का नंबर और नाम होगा, और उस मतदान केंद्र के मतदेय स्थल जिस पर आप गए हुए हैं वोट कराने, पोलिंग स्टेशन, 2 शब्द हैं पोलिंग सेंटर एंड पोलिंग स्टेशन,
हिंदी में क्रमशः उनको मतदान केंद्र और मतदान स्थल बोलेंगे। मतदान केंद्र क्या है, जैसे मान लीजिए भटहड़ का एक ग्राम अतरौलिया है, वहाँ का एक प्राइमरी पाठशाला अतरौलिया करके है, तो वो पूरा स्कूल एक पोलिंग सेंटर है, मतदान केंद्र है, और उसके विभिन्न कक्षों में जितने बूथ की स्थापना की गई है, दो ज्यादा पोलिंग स्टेशन वो आपका मतदान स्थल है, तो उसमें से एक मतदान स्थल के प्रभारी आपकी टीम है, और उस मतदान स्थल पर उस ग्राम पंचायत के कितने वार्ड सम्मिलित है इसका भी जिक्र वोटर लिस्ट में रहेगा। और उसके बाद मतदाताओं का विवरण नीचे है, यथा क्रमांक उनका, मकान संख्या, उनका नाम, उनके पति पिता या माता का नाम, उनका लिंग और उनकी आयु, इतना चीज आपके मतदाता सूची में होता है। मतदाता सूची के साथ पीछे तीन प्रकार की और लिस्ट अटैच है, एक है अपमार्जन का, ये उन मतदाताओं का लिस्ट है जो आपके मेन लिस्ट में उनका नाम है बट या तो ये मर चुके हैं या वहाँ से कहीं जा चुके हैं, अब वो उस बूथ के मतदाता नहीं हैं, ऐसे लोगों का मेन सूची में नाम है, पर अपमार्जन वाली सूची में नाम है, और मेन सूची में जहाँ भी ये नाम हैं उन नामों पर लाल स्याही से पहले ही काट दिया गया है। मेरा नाम सुभाष चंद्र सिंह है, मैं चरगावा ट्रेनिंग सेंटर का प्रिंसिपल हूँ, यहाँ पर मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षण दे रहे हैं। चुनाव ड्यूटी में लगे कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्या कहना? देखिए, जो कार्मिक आ रहे हैं इनका तीन पालियों में प्रशिक्षण हो रहा है, 6 तारीख से प्रारंभ हुआ और 11 तक चलेगा, और इनको जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जो ग्राम पंचायत सदस्य हैं, प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं और जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव में क्या क्या काम करना है इसके बारे में विधिवत जानकारी दी जा रही है। जैसे कि जब ये 14 तारीख को अपने ब्लॉक में पहुंचेंगे तो उनको जो सामग्री मिलेगी उसका विधिवत मिलान कर लें, कोई सामान छूटना नहीं चाहिए, जिससे कि जब 15 को चुनाव प्रारंभ होगा 7 बजे सुबह, तो चुनाव समय से कराने में कोई दिक्कत ना हो। इस 4 सदस्यीय टीम है, इसमें एक पीठासीन अधिकारी, मतदान का प्रथम द्वितीय और मतदान का तृतीय, इस 4 सदस्यीय टीम जो है चुनाव कराने के लिए अपने बूथ पर 14 तारीख को दोपहर बाद जाएगी, वहाँ पर 6:30 बजे तक इनको मतपेटी कैसे सील करना है उसे पोलिंग एजेंट को दिखाना है, उसके बाद 6:30 बजे सील कर देंगे और 7 बजे चुनाव प्रारंभ हो जाएगा। चुनाव में इनको ये देखना है कि कहीं से भी कोई गलत वोटर ना आ पावे, इसके लिए 17 तरह के फ़ोटो पहचान पत्र में से कोई एक फ़ोटो पहचान पत्र से वोटर का मिलान करना है। मतदान अधिकारी प्रथम का काम जो है चिन्हित मतदाता सूची का काम देखना है कि अगर कोई पुरुष मतदाता आता है तो उसका नाम पुकारेगा, उसके नीचे अंडरलाइन करेगा, अगर महिला मतदाता आती है तो उसके नीचे अंडरलाइन के साथ साथ सामने सही का निशान लगाएगा। इसी तरह से वोटिंग चलती रहेगी और वोटिंग जो है टाइमिंग जो है प्रातः 7 से 6 बजे तक है, अगर 6 बजे कैंपस में कोई वोटर आ जाता है तो पीछे जो वोटर है उसको 1 नंबर का पर्ची पीठासीन अधिकारी देगा, और जब सभी वोटर का चुनाव हो जाएगा तब वोटिंग का टाइम खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये बैलेट बॉक्स सील करेंगे और सभी सामग्री लेकर ब्लॉक पर प्रस्थान कर जाएंगे। एक पाली में यहाँ पर 240 कार्मिकों की ट्रेनिंग हो रही है, आज 7वीं पाली चल रही है, एक दिन में हम लोग यहाँ पर 720 720 का दे रहे हैं, इस तरह से हम लोग 1440 का दे चुके हैं और 240 से प्रारंभ है, इस प्रकार से 1650 का ट्रेनिंग हो चुका है। कितने टाइम तक चलता रहेगा? ये 11 तारीख तक प्रशिक्षण चलेगा।